नाम लिए हैं, दरअसल में उन पर मत जाइएगा क्योंकि आजकल सब कुछ जो है फ्रेम्ड अवार्ड्स होते हैं, इसलिए उन पर ध्यान मत दीजिएगा। मुझे ज़रूर मेरे कामों के लिए मिला है, लेकिन आजकल सब चीज़ें फेक होती जा रही हैं। बहरहाल एंकरिंग आप लोग भी सीख रहे होंगे, आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही सपना मैंने भी बचपन में देखा था, मुझे लगा था बड़ी होकर मैं हीरोइन बनूंगी, पर बदकिस्मती में कि मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था और उस वक्त सब कहते थे कि तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तुम एक बहुत एवरेज दिखने वाली लड़की हो, लड़की कम लड़का ज़्यादा दिखती हो, तो तुम जो हो हीरोइन नहीं बन सकती, क्योंकि हीरोइन के लिए खूबसूरत फिगर, खूबसूरती और न जाने क्या 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 होना बहुत ज़रूरी है। मेरा सपना वहीं टूट गया, लेकिन मैंने अपने सपने को पूरी तरह से मरने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा अरे हीरोइन नहीं बन सकती तो क्या हुआ, एक्टिंग तो आती है, टीवी में घुस जाते हैं। तो मैंने अपना करियर शुरू किया अपनी शादी के बाद। शादी से पहले मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा बेटा पढ़ो लिखो, किसी अच्छे घर चले जाओ, उसके बाद तुम्हें ज़िंदगी में जो करना है कर लेना। मुझे पता था कि शादी के बाद कोई ज़िंदगी नहीं होगी शायद मेरी, क्योंकि शादी के बाद मैंने सबको देखा है कि अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और ज़िंदगी जीते हैं जैसा उनका परिवार करता है। लेकिन शायद मैं थोड़ी सी लकी थी कि मेरे परिवार को मुझ पर तरस आ गया, उन्हें समझ में आ गया कि ये कुछ करना चाहती है, तो मुझे करने का मौका मिला। मुझे नहीं मालूम इस तरह के सपने कितने लोग जी सकते हैं, लेकिन आप लोग यंग हैं, आप अपने सपनों को कभी शादी के बाद के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत कम वक्त बचता है। जिस उम्र में आप हैं, अगर मैंने अपने सपने वहाँ से देखने शुरू किए होते तो शायद आज मैं ज़िंदगी में बहुत आगे चली गई होती। लेकिन मेरी ज़िंदगी की शुरुआत मेरे 32वें साल के बाद हुई है, तो मुझे बहुत वक्त लगा, 15 साल निकल गए मेरे उन सपनों को पीछा करते करते। लेकिन चूंकि मैंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, चाहे मेरी शादी हो गई, चाहे मेरा बच्चा हो गया, मैंने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। क्योंकि मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, शायद आपको भी पता होगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे से मिलने समंदर भी आएगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं इतनी प्यासी हूँ तो शायद मेरे सपने को भी मेरे प्यास के बारे में मालूम होगा और वो मेरा सपना मुझ तक ज़रूर पहुँचने की कोशिश करेगा। मैंने सिर्फ यही मेहनत की है। आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूँगी, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि सब लोग आएंगे और बहुत सारा भाषण देके जाएंगे जो आपके किसी काम का नहीं है। सौरभ जी ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई दी, मुझे वापस अपना बचपन याद आ गया। मुझे लगा काश मैं अपनी सारी चीज़ें पूरी कर पाती तो आज शायद मुझे वो सब कुछ करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता। लेकिन मैं इसमें भी खुश हूँ सौरभ जी, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग नाउ। और आप सब लोगों को एक सबसे अच्छी बात ये मिली हुई है कि आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। आपको जो ये कॉलेज है ना, ये कॉलेज में एक ऐसी जगह है जहाँ आपको परफेक्ट तरीके से ग्रूम किया जा रहा है। मुझे ये सब नहीं मिला। अगर आप इस परफेक्ट ग्रूमिंग को मार्केट में जाकर, यानी जिंदगी के सही रास्तों पर जाकर के अप्लाई करेंगे ना, अमल में लाएंगे, तो यकीन मानिए आप सब लोग अपने अपने तरीके से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। याद रखिए, पेरेंट्स के दबाव पर अगर आप कोई कोर्स चुनते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने सपनों के दबाव में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप जिंदगी में जरूर आगे आते हैं। मेरी उम्र में आने तक भी आप आगे आ सकते हैं, मेरी उम्र के बाद भी आप आगे जा सकते हैं, बस सपनों को जिंदा रखिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच।